अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सिर्फ सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं। सिर्फ सेटिंग ही रीसेट होगा, उसके अलावा कोई भी चीज़ रीसेट नहीं होगा या फिर फॉर्मेट नहीं होगा। सिर्फ आप सेटिंग को ही फॉर्मेट कर पाइएगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाने वाला हूँ कि वो कैसे काम करना है। ये क्या होता है ना कि कई बार आप अपने सेटिंग्स आप अपने डिवाइस के सेटिंग्स के साथ में छेड़खानी कर चुके होते हैं और आपके जो मोबाइल का हुलिया है कुछ अलग तरीके से बदल जाता है, तो उस टाइम पर आप चाहते हैं कि सिर्फ सेटिंग्स जो है ना सारे के सारे नॉर्मल में आ जाए, उसको मैं फिर से सेटिंग्स कर पाऊं और मेरा डिवाइस जो है वो सेफ रहे। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप सिंपली सेटिंग्स में यहां से भी आ सकते हैं, तो यहां से आप सेटिंग्स में आ जाइए या फिर आप सिंपली मेन मेन्यू में जाइए, यहां पर आप सिंपली सेटिंग्स सर्च कर लीजिए। जैसे सेटिंग सर्च कीजिएगा तो सेटिंग का लोगो इस तरीके से नजर आएगा, यहां पर आ जाइए। यहां पर आने के बाद में आपके पास में पहला ऑप्शन मिलता है कि आप इसको सर्च कर सकते हैं। दूसरा जो है आप यहां से भी एडिशनल सेटिंग में जाकर के एडिशनल सेटिंग्स में आकर के यहां से भी जा सकते हैं, ठीक है, उस प्लेस पे यानी उस जगह पे जहां से आपको सेटिंग्स रीसेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सी बात है मैं यहां पे सर्च कर लूंगा, यहां पे मैं सर्च कर लूंगा। आपको क्या सर्च करना है, सिंपली सर्च पे क्लिक कीजिए और यहां पे टाइप कर दीजिए रीसेट, RESET रीसेट आप सिंपली टाइप कीजिए और इसको सर्च कर लीजिए। जैसे आप रीसेट लिख करके सर्च कीजिएगा तो आपको नजर आ जाएगा यहां पे ऑप्शन बैकअप एंड रीसेट, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एडिशनल सेटिंग्स के अंदर में ये ऑप्शन है, उस तरीके से पूरा लोकेशन यहाँ पे आपको बता रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, बैकअप एंड रीसेट पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको नजर आ जाएगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको नजर आएगा सबसे टॉप में रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली, याद रहे आप इसके अलावा किसी और ऑप्शन पे बिल्कुल भी क्लिक मत कीजिएगा, वरना आपके डेटा के साथ में कुछ गड़बड़ हो सकता है, कुछ नहीं बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मत क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको करना क्या है, रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली, इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद में आप अपने मोबाइल में इंप्लीमेंट कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आपके डेटा के सेफ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ताकि आपका डेटा सेफ रहे। सिंपली आप रीसेट सिस्टम सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए, सेटिंग्स ओनली, और यहाँ पर आपके डिवाइस का जो भी पासवर्ड हो, पासवर्ड जो आप यहाँ पर इंटर कर दीजिए, यानी जो भी आपने लॉक लगा रखा है। पासवर्ड मैंने यहाँ पे इंटर किया, गलत बता रहा है, मैंने फिर से इंटर किया, सही बताया। अभी यहाँ पे ऑप्शन आएगा रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है और इसके बाद में ये बताएगा आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू दिस विल रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली, यस रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली पे फिर से क्लिक कीजिए, ये जो है रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये रीसेट हो जाएगा। देखिए अभी जो है ये नॉर्मल यानी जो लाइट मोड होता है उसमें आ गया, डार्क मोड से हट करके लाइट मोड में आ गया। क्यों आया, क्योंकि पहले मैंने डार्क मोड में लगा रखा था, अभी मैंने सेटिंग्स को एकदम रीसेट कर दिया, इस वजह से ये डार्क मोड से हट करके लाइट मोड में आ गया। और काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पे देखे होंगे कि काफ़ी चीज़ें इसमें चेंजेस आ चुके हैं। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आखिर किस तरीके से हम सिर्फ सिस्टम सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं, सिर्फ सिस्टम सेटिंग्स को। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए क्या परेशानी है, मैं उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करूंगा इंशाल्लाह। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, और इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर पसंद आया, थोड़ी सी भी हेल्प की है, इस वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। तो और जब तक के आपने सोशल नेटवर्क को फॉलो नहीं करते तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, क्या कर रहे हैं फॉलो कीजिए। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।